असल में सबसे ज़्यादा काम जो होगा, जो आप अक्कासी करेंगे जिसकी जाकर माशरे में और मुस्तकबिल में, उसमें तालीम तो अपनी जगह पर है, वो सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करती है, असल में वो तरबियत है जो घर से मिली, जो यहाँ पर मिली, जो माशरा दे रहा है, और जिन लोगों में वो सलाहियत है कि उसको हमेशा एब्जॉर्ब करते रहें, तो वो लोग इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में तरक्की करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर दौर में आदमी सीखता रहता है और ख्वाहिश रहनी चाहिए वो सीखने की। पुख्तगी आ जाती है, लोग फिर बदलते नहीं, और ये पुख्तगी समझ लो कि 25-30 साल की उम्र के बाद ये इतना पक्का हो जाता है कि लोग सबका किरदार, सबका मिजाज, कैफियत वो पुख्ता हो जाती है, तकरीबन पत्थर पर लिख ली जाती है। मगर कामयाब लोग वो हैं जो उसके बावजूद उस पत्थर को मोम करते रहते हैं, कभी तकलीफ़ देखकर, कभी माशरे के हालात देखकर, कभी अपने मुताले से खुद, कभी दीन और मज़हब के करीब आकर, जिस अंदाज से भी, मगर उनका वो सितार का वो तार जो है दिल के अंदर, वो जब बोलता है और जब वाइब्रेट करता है तो वो क़ुर्ब हासिल करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात तो ये कहना चाह रहा था, और जो आप जानते हैं, मैं आज कोई बात ऐसी नहीं कहूँगा जो आप नहीं जानते। मैं सिर्फ एक अपने जहन के अंदर जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपके सामने रखूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्रायोरिटीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई हैं वो प्रायोरिटीज़ आपकी हों। तो सबसे पहले लाहौर का एक वाक़या है कि मैं यहाँ एक हॉस्टल है जो यूइंग हॉल कहलाता था, फिर FC कॉलेज का हॉस्टल, वहाँ मैं रहता था। तो सारे साल मैं खेल कूद करता था, क्योंकि इम्तिहान तो साल के आखिर में होता है, और मेस के अंदर और कॉमन रूम के अंदर सबसे ज़्यादा बारौनक शख्सियत जो थी वो मैं था। सारी फिल्में लाहौर की देखता था, उस ज़माने में जुमे को लगती थी और मंगल बुध तक सारी पूरी हो जाती थी, चाहे वो अंग्रेज़ी की हो, पंजाबी की हो, उर्दू की हो। अच्छा, और उसमें हर एक में अलग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, जो पंजाबी वाले थे वो बिल्कुल अलग थे, जो उर्दू वाले थे वो बिल्कुल अलग थे, जो इंग्लिश वाले थे वो भी अलग थे। साल के आखिर में जब 15-20 दिन रह जाते थे तो मुझे घबराहट शुरू होती थी कि मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं साल भर, और जिस के साथ मैं कहीं जा रहा होता था तो एक मेरा दोस्त था, उसके कमरे में जब जाता था तो जनाब उसकी किताब खुली होती थी मेडिसिन की, मिसाल के तौर पर वो पढ़ रहा होता था और वर्क पलट रहा होता था, तैयार हो रहा होता था, और मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं फिर घबरा कर सोचता था महीना भर पहले पढ़ लूँगा, फिर भी कॉमन रूम की जो लालच थी वो अट्रैक्ट करती रहती थी। तो मैं 15-20 दिन पहले मैं रोता धोता अपनी माँ के पास कराची जाता था, ट्रेन में बैठकर, गर्द आलूद मटियाले, आप लोग तो उसी ट्रेन में नहीं बैठे होंगे, कि वो कहती थी मुझसे गले नहीं मिलोगे पहले नहा कराओ। तो वो वहाँ जब पहुँचता था तो एक डिब्बे के अंदर, जो असल बात आपको सुना रहा हूँ, एक डिब्बे के अंदर मेरे सारे वो कप्स होते थे जो स्पोर्ट्स में मैंने जीते होते थे, और बड़ी खुशी से मैं ले भी जाता था वो भी, और किताबें अलग होती थी। अच्छा, जब मैं रो कर उनसे अपनी वालदा मरहूमा से किस्सा सुनाता था कि जी पढ़ाई नहीं हुई और ये हुआ आपकी तो मैं फेल हो जाऊँगा, तो वो पहला काम ये करती थी कि सारे कप्स जो है वो मोहम्मदी सोसाइटी में एक स्कूल था पहले तो वो भिजवा देती हैं दूसरे ही दिन, तो मैं जितनी मेहनत मैंने की होती थी वो वहाँ चली जाती थी। तो शी टोल्ड मी कि देखो प्रायोरिटीज़ इन लाइफ जो है ना, उसके ऊपर अगर तुम नज़र रखोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें खुद भी तस्कीन और तसल्ली रहेगी। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी बहुत बड़ा अचीवर बन जाए, है ज़रूरी नहीं है, बट यू हैव टू बी सेटिस्फाइड इन लाइफ। ये जो कम्पिटिटिव माहौल है इससे आदमी अब आप निकल जाएंगे, यानी इसके बावजूद अपनी तरक्की के लिए आप कॉम्पिटिशन करेंगे, मगर जनरली आप इससे निकल जाएंगे, आपने हासिल कर लिया। मगर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिटवीन पीपल वो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग लिहाजा उस कॉम्पिटिशन की खातिर अपने किरदार के अंदर वो कैफियत बना लेते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफदेह होती हैं। तो कॉम्पिटिटिव रहिए, तो कॉम्पिटिटिव रहिए, ज़रूर रहिए, मगर सबको साथ लेकर सबकी खुशियों को मिलाएं। मैं ये समझता हूँ कि इंसान एक ख़ुद भी मुअम्मा है अपने लिए भी,
बहुत कम लोग अपने आप को पहचानते हैं। हर एक अपने आप को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर अपने जहन में खड़ा करता है और अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। हकीकत ऐसे नहीं होती, और कभी कभी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना तो बहुत ही मुश्किल होता है। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं और एक बेटा, तो जब बेटियों जब कोई लड़ाई होती थी घर के अंदर जो मुसलसल चलती है, तो मैं 2 की जिनकी लड़ाई होती थी उनको खड़ा करता था, एक का नाम नायमा एक का मरहमा मिसाल के तौर पर। तो मैं नायमा से कहता था कि तुम अपनी शिकायत मत करो, तुम मरहमा की शिकायत मुझसे करो। मरहमा के मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे अपने तुम्हारे मुतालिक वो कैफियत बयान करो। एंड यू विल बी सरप्राइज के दे वर टोटली टेकन अबैक। यानी नायमा तो मरहमा की शिकायत करने आई थी, उसको मैं कहूं कि मरहमा तुम्हारी क्या शिकायत करेगी ये बताओ। तो उस ये इस बात की अक्कासी है कि लोग दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने से कासिर रहते हैं। समझदार आदमी वो बनता है आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता है, अपने मुतालिक ही क्यों ना हो। और यही चीज दुनिया के अंदर किसी ने ये देखा और किसी ने ये देखा, और यही कोर्ट्स भी परेशान रहती हैं कि किस विटनेस की बात माने। और इंसान की विटनेस सिर्फ इतनी है, जो अब आपके पास रुदाद लेकर आएंगे, आपके पास इश्यूज लेकर आएंगे, और एवरी इशू एंड एवरी फाइल विल हैव पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड यू विल बिकम अ जज। आप आज भी जज हैं, और मैं इस बात बारे में हार मान चुका हूं कि मैं अच्छा जज हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला पहचान सकता है, मुझे और आपको तो पता भी नहीं चलेगा। मगर हम कोशिश ये करते हैं कि उसके बावजूद कम टू द राइट जजमेंट। और ये तलाश आपके जहन, क्योंकि आप इंसाफ करने जा रहे हैं, आप वो इदारा है, वो लोग हैं जो हुकूमत का वादा, जो आईन के अंदर एक कॉम्पैक्ट है, एक सोशल पैक्ट है अवाम के साथ, उसको पूरा करने जा रहे हैं। दिस इज अ साइकिल कि अवाम की उम्मीदें हैं, वो पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करते हैं मिसाल के तौर पर, और वो एक पॉलिसी बनती है, और वो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अवाम की फलाह बहबूद का जो एजेंसी है वो आप है। प्राइमरी एजेंसी पुलिस बनती है, तो लिहाजा जितना वो सबसे बड़ा बॉटलनेक बन जाता है, जितना प्रेशर पुलिस पर पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप सर्वेज उठाकर देखें तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन एनी क्रिमिनल सिचुएशन इज द पुलिस। अच्छा, और उसके ऊपर जितना प्रेशर है तो सबसे पहले जो सर्वेज आते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की आ जाती है कि जी ये है। और फिर एक ऐब है इंसान के अंदर, पाकिस्तान को भी ऐसा ना कहें, एक ऐब है इंसान के अंदर जो अख्तियारात के गलत इस्तेमाल वाला ऐब है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट है, और ये तारीख में मौजूद है, ये नया नहीं है। मगर जहाँ सिस्टम्स कमज़ोर पड़ते जाते हैं वहाँ इंसान की यह ख़राब कैफियत और ख़राब रुख जो है वो ज़्यादा नुमाया होता है। जेम्स हॉब्स की किताब है, नाम भूल से निकल रहा, नाम से निकल रहा है वो, एक जानवर के जो बाइबल के अंदर जिसका जिक्र है, लेवियाथन, जेम्स हॉब्स की। और उसने ये कहा कि स्टेट क्या है, और ये 200, 300, 400 साल पुरानी बात है। उसने कहा स्टेट क्या है, उसने कहा स्टेट वो है, और ये मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं अभी सोच लेता, बैठा सोच रहा था कि आपसे क्या गुफ्तगू करूँगा। एक किताब है द नैरो कॉरिडोर, मेरी सेलेक्शंस में मौजूद है वो भी। तो जेम्स हॉब्स ये कहता है कि स्टेट इज़ लाइक लेवियाथन, एक बड़ा बहुत बड़ा बाइबल की तरह का बहुत बड़ा एक जानवर है, जिसको अगर मैनेज किया जाए और कंट्रोल किया जाए ये बेहमता ज़रूरी है, क्योंकि उसके हाथ में सारी अथॉरिटी उसी के हाथ में है। तो जो नैरो एसिमोग्लू की किताब है, नैरो कॉरिडोर, और दो लोगों की है, उसके अंदर वो कहते हैं कि नैरो कॉरिडोर जो है, एक तरफ अगर आप डिक्टेटरशिप को तसव्वुर करें, टोटल अख्तियारात चंद हाथों में है वो है, और एक तरफ टोटल एनार्की है, उसके बीच में जमहूरियत। और ये ब्यूरोक्रेसी तो हर एक की होती है, ब्यूरोक्रेसी डिक्टेटर की भी होगी, मगर इसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है कि उस नैरो कॉरिडोर में आप चलें कि टोटल एनार्की भी ना हो या एनार्की ना हो।
और फिर इतना कंट्रोल भी आपका ना हो कि टोटल डिक्टेटरशिप नजर आए जहां भी आप हैं, तो आपका क्योंकि ताल्लुक, और फिर एक तो ये हुआ कि आवाम से ताल्लुक हमदर्दी के एतबार से, और मैं समझता हूं कि इसके अंदर शायद पिछली मरतबा भी जब आया था और मेरा एक पेट कैफियत है अपनी ज़िंदगी के हवाले से मैं सोचता हूँ, तो मैं मुझे हज़रत मूसा की वो दुआ बड़ी पसंद है जो तकरीबन हर ग्रेजुएशन में मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और कहता हूँ कि देखो इसके इतने अंदर वो चार क्वालिटीज़ हैं, वो चार मांगे हैं अल्लाह ताला से जो हज़रत मूसा ने रखी और जो मेरी अपनी मांगे भी हैं, और वो है रब इशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि सबसे पहले, और ये हज़रत मूसा ने मांगा अल्लाह सुबहानहु ताला से और अल्लाह ने उनसे कलाम किया और अल्लाह ने कहा तुम जाओ मिस्र जाओ और मिस्र जाओ और मूसा के दरबार के अंदर मेरा पैगाम पहुंचाओ। अब वेरी ह्यूज टास्क एंड ही वाज अफ्रेड, और मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे इल्म के लिए जो आपका यहाँ खुला हुआ था और आपने यहाँ इल्म हासिल किया, और ज़िंदगी भर आप कोशिश ये करेंगे कि अपना सीना खोले रखें और अपने तासुबात को मैनेज करेंगे। हर एक के तासुबात ज़रूरी हैं, हर एक का बायस ज़रूरी है। मेरा दिमाग और आपका दिमाग एज फार एज इंफॉर्मेशन इज़ कंसर्न कैन नॉट होल्ड मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 5 GB ऑफ डेटा, इफ़ दैट इज़ द टर्मिनोलॉजी विच इज़ मोर फेमिलियर टू अस नाउ। मोर देन 5 GB ऑफ डेटा नहीं, मत दुनिया में तो इल्म बड़ा है। अच्छा, तो हम और आप क्या करते हैं, हम एक असेसमेंट शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी आया, ये औरत आई जो आपके सामने आते रहेंगे, मैले कपड़ों में है, शक्ल से जो लगता है तो आप कहेंगे ये गरीब आदमी है, इम्कान इस बात का हो जाएगा कि तालीम याफ्ता नहीं है। तो एक मैंने एक खाना बना लिया कि मैं इनको यहाँ रखूँगा इनको यहाँ रखूँगा, तो ये मेरे तासुबात फिल्टर बनता चला जाता है ज़िंदगी भर जस्ट फॉर माई एफिशेंट फंक्शनिंग। अच्छा, मगर यही तासुबात इतने पुख्ता हो जाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ये देखा कि अगर कोई लेफ्ट इनक्लीनिंग मेरा दोस्त है तो सालों मेरी बहस के बावजूद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या राइट इनक्लीनिंग है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लिहाजा ये इतने मुस्तहकम हो जाते हैं तासुबात कि इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सीमेंट के अंदर पेबंद हो जाती है। और क्यों होती है? आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अपना इल्म है, आपके अपने जो आपने देखा मुशाहिदात हैं उसकी बुनियाद पर आपने पक्का कर लिया अपने आप को। तो एक बड़ी अच्छी किताब है, यहाँ आप जैसे लोग पढ़ने वाले, मैंने लिस्ट देखी जो आपके लिए रीडिंग लिस्ट थी बड़ी अच्छी, उसके अंदर एक किताब है जिसके अंदर वो बायसेस के ऊपर, याद आ जाएगा उसका नाम मैं आपसे जिक्र करूँगा, तो उसके अंदर तकरीबन 100 बायसेस हैं जिसके अंदर 40-50 मुझे लगा मेरे अंदर भी हैं। और एक इंसान अगर अपने तासुबात को निकाल ले, रॉल्फ डुबेली की है द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, प्लीज़ राइट इट डाउन, यू मस्ट रीड दैट क्योंकि यू विल देन डेसिफर योर सेल्फ बेटर, है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर माइंड, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि हज़रत मूसा ने कहा कि मेरा सीना खोल दे, तो ये इसलिए कि इल्म के लिए आपका दरवाज़ा खुला रहे। दूसरी बात उन्होंने कही कि अल्लाह मेरा काम आसान कर दे, हु डजंट वांट दैट टू हैपन, कि मेरे जो भी काम पड़े वो मेरे लिए आसान हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि पैसे का काम पड़े, मेरा काम रिश्तेदारों के साथ भी पड़ सकता है, किसी को नरम करने का भी पड़ सकता है, तो मेरे काम आसान कर दे। और तीसरी बात यह है कि मेरी ज़बान खोल दे, एंड दैट इज़ द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच यू मस्ट हैव वेदर यू आर अ ब्यूरोक्रेट और नॉट। आप इंसान हैं, इंसान का आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मेरा ताल्लुक आपके साथ पैदा करता है, दैट इज़ दी ओनली थिंग। आप कोई हरकत करें जो मुझ पर असर करे उसका इतना असर नहीं है जितना इस बात का असर है आई हैव टू टेक अ फ्लाइट एंड दैट कम देयर कम्स अ रिमाइंडर, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि अपनी बात आपके साथ पूरी कर लूँ। तो उसके अंदर हज़रत मूसा की दुआ है कि मेरी ज़बान खोल दे, और मैं आपसे कहता हूँ कि द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन यू विल लर्न ऑल योर लाइफ, कभी ख़त्म ही नहीं होगी बात, और आपको रोज़ाना अंदाज़ा होगा कि मैंने तो अगर खातून है आपके मैंने तो ये कहा था, उसने ये गलत कैसे समझ लिया। ये रोज़ाना की कहानियाँ हैं और ये रोज़ाना की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और इसका तो ये मैं हज़रत मूसा की दुआ पूरी कर लूँ तो मेरी ज़बान खोल दे ताकि मूसा के सामने अपनी कौम के सामने जो बात करूँ
फिर उसके अंदर मेरे कौल में असर डालते, ठीक है ना, कि जो कहें उसका असर भी हो। तो दिस इज द बेस्ट दुआ विच आई कैन हैव। और मैं समझता हूँ कि कमिंग बैक टू इस्लामिक ट्रेडिशंस, कहाँ से हम चीज़ें सीख सकते हैं? ये दुनिया बड़ी ख़राब है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट की दुनिया है। चाहे अब इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर देख लें, मोरालिटी नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। मगर मैं समझता हूँ कि मुसलमान होने के नाते, और मुसलमान सिर्फ नहीं पाकिस्तानी है, चाहे नॉन मुस्लिम भी हो, तो पाकिस्तानी मोटिवेशन जो ये होना चाहिए वो ये कि दुनिया के अंदर एक मोरालिटी बेस्ड ऑर्डर आना चाहिए, नॉट द वेस्टेड इंटरेस्ट बेस्ड मॉरल ऑर्डर। तो आप कंट्रडिक्शंस देख रहे होंगे, आजकल तो बड़ी कंट्रडिक्शंस आपको नजर आ रही होंगी, और पाकिस्तान के अंदर भी वैसे ही पोलराइजेशन हो जाता है। गो डीपर एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जो ब्यूरोक्रेट बनते थे, एक तो हजरत अली के बड़े अच्छे खतूत हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए हैं, गवर्नर्स के लिए हैं, मगर एक जनरल तीन प्रिंसिपल्स हैं फॉर पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, हु आर मेड रिस्पॉन्सिबल इन सोसाइटी, चाहे वो गवर्नर्स हों, ऊपर से रियासत का खलीफा हो, नीचे तक ब्यूरोक्रेट हो। तो वो तीन उसूल ये हैं कि एक तो अपना दरवाज़ा खुला रखो। अच्छा, दिस इज़ अ प्रिंसिपल, दिस इज नॉट नेसेसरली मीन्स कि मैं कुंडी नहीं लगाऊंगा, दैट्स अ प्रिंसिपल। दरवाज़ा खुला रखो कि आम आदमी आप तक पहुँच सके, एवेन्यूज रखें। और आजकल बहुत आसान है मगर बहुत मुश्किल भी है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़, तो लिहाजा बहुत मुश्किल भी है, मगर एट द सेम टाइम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी फरियाद आप तक पहुंचे। तो दरवाज़ा खुला रखो, पहला। दूसरा ये है कि आप कर नहीं सकेंगे, मगर मैं भी ये सारी चीज़ें पूरी कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए तकलीफ का बायस है क्योंकि लिमिटेशंस इंसान की हैं, मगर अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर ये चीज़ें आ गई। जुमे की नमाज पढ़ाओ, आप पढ़ा नहीं सकते, मिसाल के तौर पर मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं तो सोचता हूँ कि मैं इतना गुनाहगार आदमी हूँ कि जुमे की नमाज़ कैसे पढ़ाऊँगा। तो लिहाजा जुमे की नमाज़ पढ़ा नहीं सकते, तो जुमे की नमाज़ पढ़ो, मगर सिर्फ फ़र्ज़ पूरे करने मत जाओ, जाओ मीट द पीपल, गेट द फील ऑफ द पीपल, अंडरस्टैंड दैट। और तीसरा ये कि अपना मेयार ज़िंदगी जो है, जो मैं नहीं कर सकता, अपने मेयार ज़िंदगी आम आदमी के मेयार ज़िंदगी से मिलाओ। नहीं कर सकता मगर तकलीफ़ का एहसास मुझे होना चाहिए। फिर रास्ते के उसूल हैं, क्योंकि आप रास्तों पर चलेंगे और जब मैं चलता हूं तो मुझे ज़्यादा तकलीफ देता हूं मैं लोगों को, तो लिहाजा दिस इज़ समथिंग विच मेरी प्रायोरिटी है कि मैं इसका ख्याल करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रास्ते में लोग बातें कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो उन्होंने कहा रास्ते के भी कुछ उसूल हैं, तो साहबा ने पूछा कि जी क्या उसूल हैं, तो उन्होंने कहा नज़रें नीची रखो। एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हरासमेंट इन सोसाइटी, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द फैक्ट कि व्हाट आर द एटीट्यूड्स। और जो मेरी बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हैं ये बता सकती हैं कि नज़रें नीची रखने का मफहूम कितना गहरा है। दूसरी बात यह कि ज़ोर से ना बोलो, डोंट क्रिएट एन इक्वेशन इन ऑन द रोड्स जिसके अंदर लोगों को तकलीफ हो, और लोगों का रास्ता मत रोको। तो ये तीन चीज़ें वहाँ से मैं उठाता हूँ जो आपके लिए हैं। और इससे बढ़कर एक ईमानदारी का उसूल है, बहुत बड़ा है, बार बार रिमाइंड करते रहना बच्चों अपने आप को, बहुत बड़ा, बहुत डिफ़िकल्ट है। जो आजमाइश में पढ़ता है वही बता सकता है इस बात को। दुआ करो कि आजमाइश में भी मत पढ़ो। मगर ये कि मुझे एक वाक़या याद आता है कि यमन के कोई एक काजी मुकर्रर होकर खलीफा ने भेजा, तो जब वो अरब के पेनिनसुला से जहाज़ किश्ती के जहाज़ के ज़रिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया बंदरगाह पर, और उनको सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने कहा देखो ये दो तीन चीज़ें हैं मेरे साथ, मेरा किताबों का एक बंडल है पैकेज वो देख लो, मेरे कपड़े तीन कपड़े हैं दो कपड़े हैं वो देख लो, मेरे खातून जो है उसको देख लो कि मैं ये कपड़ा बुनेगी और मैं इसकी रोज़ी और मैं इसके अंदर इसका हाथ बटाऊँगा, वो मेरी रोज़ी होगी। चले गए यमन के काजी बन गए, वहाँ जाकर बड़े प्रिंसिपल ज़िंदगी बनाई, और फिर जब वापस आए तो फिर अपने रिश्तेदारों को और जानने वालों को बुलाया और कहा देखो यही तीन चीज़ें मेरे पास हैं, ये है अमानतदारी, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अमानतदारी, बड़े प्रिंसिपल्स। देखो इस्लामी तारीख आपके लिए बड़े उसूल डालकर गई है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब खलीफा बने तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी वो ख़त जो पिछला खलीफा था वो ख़त में उनकी नामजदगी कर गया था, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी ये ख़त खुला है, मैं इससे पीछे हटता हूँ और मैं आप लोगों के ऊपर फैसला छोड़ता हूँ। बार सूरत लोगों ने कहा जी आप खलीफा बन जाए, तो घर गए, नियत करके गए कि सारा अपना, एंड ही वॉज अ रिच मैन, हिज वाइफ वॉज फ्रॉम अ रिच फैमिली,
उन्होंने सारा अपना माल अपना अपनी अपनी जायदाद वगैरह बैतुल माल में डाली और नौकरों को तलब किया और ये कहा कि तुम आज़ाद हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं तुम्हारा ख्याल कर सकूं। नौकरों को बुलाकर कहा। उनका बेटा ये कहता था कि अम्मा जब मैं आता हूं तो तुम मुझे इतनी सस्ती सी सब्जी खिलाती हो, कोई और चीज भी कभी खिलाया करो। तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे अब्बा जो, ये रईस आदमियों की कहानी है, ये रईस बीवी की कहानी है। उन्होंने कहा कि जितने तुम्हारे अब्बा पैसे लाते हैं उसके अंदर यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। दीज आर एग्जाम्पल्स, ये हीरोज हमारे हैं, हैं? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अमानतदारी एंड वी कैन नॉट फॉल इन टू दोज फुटस्टेप्स एट ऑल। बड़ा मुश्किल कहानी है। जब ये रियासत मदीना की गुफ्तगू होती है तो लोग तंज करते हैं, ताना देते हैं, फॉरगेट अबाउट इट। हमारी जस्तजू हुई, हम हासिल करें ना करें मगर उसी के करीब जाएंगे तो ये हमारे उसूल पूरे होंगे। तो लिहाजा ईमानदारी का दामन मत छोड़ना, इसको पकड़े रहो। हजरत और हमदर्दी कैसी? हजरत अबू बकर जब खलीफा बने तो हजरत उमर ने ये कहा, सोचा कि ये सुबह फजर की नमाज के बाद दो घंटे कहीं दूर जाते हैं और वहां से वापस आते हैं एवरी डे। तो एक दिन इन्होंने फॉलो किया, हजरत उमर ने चुपके चुपके चुपके, जब हजरत एक घर में गए और जब बाहर निकले तो हजरत उमर ने खटखटाकर पूछा तो एक औरत, बूढ़ी औरत निकली। उसने कहा, तो हजरत उमर ने पूछा ये कौन आदमी है? उसने कहा कि जी मेरे पास इतने यतीम बच्चे हैं, ये आदमी आता है, फरिश्ता है अल्लाह का, ये आदमी आता है और रोटी पकाता है, बर्तन धोता है, कपड़े धोता है और दो घंटे बाद या जितने तो चंद सातों के बाद ये वापस चला जाता है। और जब हजरत उमर का इंतकाल हुआ और जब हजरत अबू बकर का, तो हजरत उमर वापस गए तो हजरत उस बीवी ने कहा कि ऐसा खलीफा होना चाहिए था जैसा वो आदमी था। तो देखो ये इंसानी हमदर्दी है, दिस इज द पैशन, यू कॉन्ट डू इट, बट ऑल दीज थिंग्स आर सिम्बॉलिक टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल, यू मस्ट रिटेन योरसेल्फ। और दूसरी चीज मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चंद चीजों की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। यू हैव बेटर टूल्स देन एवर बिफोर, लिहाजा विद द यंग फोर्स कमिंग अप मैं उम्मीद करता हूं कि उन टूल्स को आप दुनिया में अपनी गवर्नमेंट के अंदर लगाएं। आई हैव फाउंड द ब्यूरोक्रेसी वेरी स्लो टू अडेप्ट टू द न्यू टूल्स, आई हैव फाउंड द पॉलिटिशियंस एंड डिसीजन मेकर्स वेरी स्लो टू अडेप्ट टू दोज न्यू टूल्स। द फास्टर अ कंट्री अडेप्ट टू दोज न्यू टूल्स द फास्टर द प्रोग्रेस शैल बी। लिहाजा इस साल की जो 10 किताबों के अंदर, चुनाव के अंदर 3 किताबें इसी इस टेक्नोलॉजिकल गैप का इजहार करती हैं जो मैं शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो टेक्नोलॉजिकल गैप अगर ना होता या ना रहे तो हमारी तरक्की बड़ी तेजी से होगी। मैं ये समझता हूँ कि आखिरी चीज आपसे कहूँ कि अपना ईगो कम करो। आप माशाल्लाह कामयाब हुए, इम्तिहान पास किया, अब आपकी तरबियत होकर नाउ यू बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट। द बिगेस्ट जो दीवार है मेरी जाती आगे वो ईगो की रहती है। अच्छा, लोग इसको बड़े अच्छे अजीब अजीब अंदाज से इंटरप्रेट करते हैं कि मेरी इज्जत है ये और इसने मेरी बेइज्जती कर दी और मैं इसको माफ नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इंसानी ताल्लुकात के अंदर। और मैं मिसाल देता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड नो ईगो। वो अगर पत्थर उठाना था तो उन्होंने पत्थर उठाया, उन्होंने किसी ने पत्थर मारा और उन्होंने दरगुजर किया, ही हैड नो ईगो। और मैं और आप तो उनकी खाक, पाओ की खाक की बराबर भी नहीं है। और हमारा ईगो, और मैं सियासत के अंदर सारे सारे दिन इस बात को हैंडल करता था कि भाई क्या बात है जी मुझे इज्जत नहीं मिल रही। अरे कैसी इज्जत यार, MNAs MPAs कहते थे जी हमें इज्जत नहीं मिल रही। मैं कहता था अल्लाह ने तुम्हें MNA और MPA बना दिया यार, अब क्या इज्जत चाहते हो कि लोग बेंड करके आए तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए दरवाजे खोलें, क्या ईगो। तो ईगो सबसे बड़ी रुकावट है। तो अपने ईगो को बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दो। मेरी इज्जत को कोई खराब नहीं कर सकता, मेरी इज्जत मेरे पास है, आपके पास नहीं है। आई होल्ड माई रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी एंड डिग्निटी इन माई हार्ट। बिल्कुल ऐसे 1000 रुपए के नोट की तरह है कि आप उसको उस पर पैर मारें, जो कुछ करें, उसको गर्दालूद कर दें, बड़ोड़ दें, उसकी वैल्यू तो वही रहती है। इसी तरह से आपकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। तो लिहाजा नेवर टेक अ स्टैंड बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को पीछे छोड़ोगे आपका जजमेंट बेहतर हो जाएगा आगे का।
लिहाजा मैं इन चंद बातों के साथ, बिकॉज आई स्टिल हैव टू कैच अ प्लेन, मैं समझता हूँ कि आपके साथ